दोस्तों, अगर आपका बजट 8.5 लाख रुपए एक शोरूम कॉस्ट का है और इस बजट में आप एक प्रीमियम हैचबैक कार परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो इस बजट में आप इस कार को भी देख सकते हैं जो कि अपने सामने खड़ी है। ये है टाटा ओल्ट्रोज एक्सजेड वेरिएंट जो कि 1.2 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ आपको मिलता है। आज के इस वीडियो में हम टाटा ओल्ट्रोज के एक्सजेड वेरिएंट की कंप्लीट बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे इस वेरिएंट के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, प्राइस रेंज, कलर ऑप्शंस, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक A to Z सारी डिटेल आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट फीचर्स की। तो यहाँ पे आप देखें तो आपको ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स जो हैं इस वाले मॉडल से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। हेडलाइट का डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं किस तरीके का है। हैलोजन बल्ब जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है प्रोजेक्टर के साथ में। नीचे आप देखेंगे तो आपको फॉग लाइट और डियल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। ग्रिल आप देखें तो आपको कुछ इस डिज़ाइन के साथ जो ग्रिल है वो ऑफर करी गई है, जिसमें आपको सेंटर में टाटा का लोगो मिल जाता है। दोनों ही हेडलैम्प को कनेक्ट करती हुई क्रोम इंसर्ट के साथ जो ह्यूमैनिटी लाइन है वो देखने को मिल जाएगी। और लोअर पोर्शन आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर का दिया गया है। बात करते हैं अगर साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पर कम्प्लीट जो साइड प्रोफाइल है इस कार का वो आप चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। फीचर्स में सबसे पहले देखते हैं इसके व्हील्स। तो यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स मिलना शुरू हो जाते हैं डुअल टोन फिनिश के साथ में। कुछ इस तरीके से फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स दी गई है। टायर सेक्शन रहने वाला है 185/60 R16 का। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स है तो रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाती हैं। और यहाँ पे आप देखें तो 165 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको ओल्ट्रोज ऑफर कर देती है। फेंडर के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर दिया गया है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर अपना जो है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है, जिसके नीचे आपको क्रोम का जो इंसर्ट है वो देखने को मिल जाता है। ये मिरर्स आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल फीचर के साथ दिए जाते हैं, जिनके कंट्रोल बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको की के साथ भी ऑपरेट कर सकते हैं। की के साथ सिंक रहने वाले हैं। लॉक करेंगे तो मिरर फोल्ड हो जाते हैं और अनलॉक करेंगे तो मिरर यहाँ पर अनफोल्ड भी हो जाते हैं। कार का ए पिलर बॉडी कलर का है, बी पिलर ब्लैकआउट है। इसी तरीके से सी पिलर देखते हैं तो यहाँ पे आपको रियर के जो डोर हैंडल्स हैं वो माउंट मिल जाते हैं। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। और फ्रंट डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर के दिए गए हैं, जिसके ऊपर आपको रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन भी मिल जाता है। तो ये बात हो चुकी है कंप्लीट इस कार के साइड प्रोफाइल की। बात करें अब रियर प्रोफाइल की दोस्तों, तो यहाँ पे आप कंप्लीट जो रियर का प्रोफाइल है इस कार का चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। फीचर्स में सबसे ऊपर की तरफ आप यहाँ पर देखें तो अपने पियानो ब्लैक फिनिश के साथ जो स्पॉइलर पैड्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। सेंटर में हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, रियर विंडो स्क्रीन के ऊपर आपको रियर डिफॉगर जो है वो मिल जाते हैं। नीचे वाइपर की जो प्लेसमेंट है वो दी गई है। टेल लाइट आप यहाँ पर चेक कर सकते हो किस डिजाइन के साथ आपको देखने को मिलने वाली है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। काफी अच्छा लुक जो है वो ऑफर कर देती है। इसके अलावा सेंटर में अपना जो टाटा का लोगो है वो मिल जाएगा, जिसके नीचे रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन दिया गया है बूट ओपन करने के लिए। ओल्ट्रोज की बैजिंग है। सेंटर में यहाँ पे कैमरे की प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी लोअर पोर्शन पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट जो बॉडी कलर का इंसर्ट है वो देखने को मिलने वाला है। दो रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। कंप्लीट व्यू है, यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। और दो पॉइंट्स के ऊपर ही आपको पार्किंग सेंसर जो है वो ऑफर किए गए हैं। तो आ चुका हूँ अब इस कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से क्या क्या चीजें जो है वो आपको यहाँ पर कंपनी ऑफर कर देती है। तो सबसे पहले देखिए आप इसका स्टेयरिंग व्हील जो कि डी कट शेप के साथ आने वाला है। अभी ये एग्जिट मॉडल है तो यहाँ पे आपको टॉप मॉडल के मुकाबले काफी कुछ चीजें जो है वो नहीं मिलने वाली। जैसे स्टेयरिंग लेदर रैप नहीं है, ये नॉर्मल कंडीशन में ही रहने वाला है। क्रूज कंट्रोल जो है वो आपको मिल जाते हैं। इस साइड में आते हो तो ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स के आपको बटन जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। हेडलैम्प्स आप यहाँ पर देख सकते हो तो ऑटोमेटिक वाले हेडलैम्प्स के टॉगल्स आपको मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स के टॉगल्स दिए गए हैं। इसी तरीके से स्टेयरिंग व्हील को जो है आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कुछ इस तरीके से टिल्ट एडजस्ट भी कर सकते हो। टेलीस्कोपिक का जो एडजस्टमेंट का फीचर है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आप देख लीजिए, जब आप बटन प्रेस करोगे तो कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो आपको इसके साथ देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको काफी अच्छा लगेगा। यहाँ पे स्पीडोमीटर है, टैकोमीटर है, छोटी सी MID स्क्रीन जो दी गई है। इसके अंदर आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लाइक क्लॉक दिया गया है। इस तरीके से आप यहाँ पर देखो कौन सा डोर ओपन है, उसकी मार्किंग है, अपना टोटल किलोमीटर्स हो जाते हैं, इस तरीके से फ्यूल कितना है और बाकी इन्फॉर्मेशन जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और नीचे आपको दो जो नोब्स है वो भी प्रोवाइड करी गई है, इसको आप प्रेस करोगे तो अदर इन्फॉर्मेशन भी आप एक्सेस कर सकते हो। अपना ट्रिप ए है, ट्रिप बी है, एवरेज है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन सारी कुछ आपको यहाँ पर मिल जाती है। आते हैं सेंटर में तो यहाँ पे मिल जाता है आपको 7 इंच की स्क्रीन के साथ टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, जो कि रहने वाला है अपना यहाँ पे आप इसको देख लीजिए एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वॉट्स रिवर्ट, रेडियो, USB, वॉइस कमांड। इस तरीके से आप आते हैं तो अपना एम्बिएंट लाइट का ऑप्शन जो है वो भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए तो एम्बिएंट लाइट के भी आपको फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं। और अपना यहाँ पे आप देखोगे तो आईपॉड
मोड है और पार्किंग असिस्ट का है। तो रियर व्यू कैमरे का रिस्पांस किस तरीके का आता है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस वक्त कार शोरूम में है, किस तरीके का अपना व्यू ऑफर कर रही है उसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। क्लाइमेट कंट्रोल को भी आप ऑन और ऑफ जो है यहीं से ही कर सकते हो। हरमन का सिस्टम है 7 इंच का फ्लोटिंग वाला, वो आपको मैंने दिखा दिया है। यहाँ पे आपको अल्ट्रोज की मार्किंग मिल जाती है, सेंटर में एक वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच दिया गया है। ये फ्लोटिंग टाइप जो है आपको मिल जाता है, जिसके नीचे आपको एम्बिएंट लाइट का जो रिस्पांस है बहुत ही प्यारा जो लुक है वो ऑफर कर देता है। दूर से आप इसको देख लीजिए। ऑटोमेटिक टाइप आपको जो इसका क्लाइमेट कंट्रोल है वो दिया गया है। 12 वोल्ट का यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, इसको आप चेक कर सकते हैं। यूएसबी पोर्ट दिया गया है और ये है अपना फोन स्टोरेज के लिए स्पेस। और यहाँ पर भी आपको जो इल्यूमिनेशन है एम्बिएंट की वो मिल जाती है। ये है अपना 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, इसको आप देख लीजिए। सिल्वर इंसर्ट के साथ जो है कंप्लीट रहने वाला है। यहाँ पे आपको मोड का जो बटन है वो मिल जाता है, इसमें आपको 2 मोड्स मिल जाते हैं। इस वक्त ये कार जो है वो सिटी मोड पे है, जैसे कि आप यहाँ पर इसको चेक कर रहे हैं, प्रेस करते हैं तो यहाँ पे अपना इकोनॉमी मोड जो है वो लग जाता है और सिटी और 2 मोड जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर के लिए स्पेस मिल जाता है। एक आर्मरेस्ट दिया गया है जो कि स्लाइडिंग फीचर के साथ है, इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और इसके नीचे आपको स्पेस जो है वो प्रोवाइड किया गया है, कुछ इतना की फॉब वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। पार्किंग ब्रेक लीवर है, क्रोम टिप के साथ ही आपको मिलने वाली है। ऊपर आएंगे ड्राइवर साइड जो अपना सनवाइजर है उसमें आपको एक टिकट होल्डर, इन साइड रियर व्यू मिरर ये मिल जाता है आपको डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ। सेंटर में आपको मिल जाएगा एक कैबिन लैंप, अपना सनग्लास होल्डर है और यहाँ पे को ड्राइवर साइड सनवाइजर विद वैनिटी मिरर दिया गया है। कोलैप्सिबल टाइप का आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है और नीचे आप देखोगे तो नीचे की तरफ आपको जो है ग्लोव बॉक्स में कुछ इतना स्पेस जो है वो प्रोवाइड किया गया है, जहां पे आपको जो है ऊपर की तरफ यहां पे आप देख सकते हो टेबलेट स्टोरेज है। नीचे इल्यूमिनेशन के साथ काफी अच्छा स्पेस है वो ऑफर किया गया है। बाकी कूलिंग का जो फीचर है नहीं है, आपको इल्यूमिनेशन जो है वो मिल जाती है। यहां पे आपको कप होल्डर्स के लिए भी जगह मिल जाती है, तो काफी डिजाइन वाला जो है आपको यहां पे वेल ऑर्गेनाइज कह सकते हो आपको जो है इसका ग्लोव बॉक्स मिल जाता है जो कि काफी डीप रहने वाला है। इसके अलावा आप इस साइड में देखेंगे तो यहां पर भी आपको सिल्वर जो एसी वेंट का सराउंड है वो देखने को मिलने वाला है। यहां पे कई सारे बटन आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन है, यहां से फॉग लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। इधर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, इसके नीचे आपको कुछ जगह मिल जाती है, यहां से इसके बोनट को ओपन कर सकते हो। 3 पैडल है, कोने में एक डेड पैडल दिया गया है और यहां से इसके फ्यूल लिड को जो ओपन है वो आप कर सकते हैं। यहां पर भी आप इल्यूमिनेशन चेक कर सकते हो। तो इसके जो फुटबेल्स हैं उसके अंदर भी आपको जो लैंप्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। ड्राइवर साइड में देखेंगे तो ड्राइवर साइड डोर है, इसके ऊपर आपको सिल्वर इनसाइड डोर हैंडल मिल जाएगा। यहां पे आपको जो टूटर की प्लेसमेंट है वो मिल जाती है। इसी तरीके से यहां पे आप इसका जो डोर आर्मरेस्ट है वो चेक कर सकते हो, फैब्रिक फिनिश के साथ जो है वो रहने वाला है। यहां से इसके मिरर को कंट्रोल कर सकते हैं। मिरर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल है और की के साथ भी सिंक रहते हैं, यानी कि जब आप लॉक अनलॉक करेंगे तो उसके साथ ही प्रॉपर वर्क करने वाले हैं। इसके अलावा यहां पे आप देखोगे चारों पावर विंडोज कंट्रोल और बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर जैसे स्पेसेस जो है वो आपको इसके डोर पॉकेट्स में मिल जाते हैं और स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहां पर दी गई है। यहां पे आपको कंप्लीट जो फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री है वो ऑफर करी गई है, किस तरीके की है वो आप यहां पे चेक कर सकते हैं। प्रॉपर पैटर्न आने वाला है और काफी अच्छा इसके अंदर आपको सपोर्ट वगैरह जो है वो मिल जाता है। यहां पे इसका जो थाई सपोर्ट है वो आप चेक कर सकते हो। इस सीट को जो है आप इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं, यहां से आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप इसके बैक एंगल को सपोर्ट कर सकते हो और यहां से आपको हाइट एडजस्टमेंट का जो फीचर है वो भी ऑफर किया गया है। तो ये सारी बात हो चुकी है इस कार के फ्रंट रो की। अब आपको एक बार मैं सेकंड रो में ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि वहां पे क्या क्या फीचर्स आपको ऑफर किए गए हैं। तो सेकंड रो के डोर की ओपनिंग आपको यहाँ से मिल जाती है, तो डोर हैंडल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे डोर पैनल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको सेम फ्रंट की तरह ही सिल्वर इंसर्ट के साथ ही जो इसका डोर हैंडल है वो दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप फैब्रिक इंसर्ट जो है वो चेक कर लीजिए। पावर विंडो कंट्रोल बटन है, स्पेस आपको मिल जाता है, स्पीकर की प्लेसमेंट आपको दी गई है, ट्विटर की प्लेसमेंट जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी और यहाँ से इसका जो चाइल्ड लॉक को आप ऑपरेट कर सकते हैं। अंदर बैठ कर देखते हैं कैसा कुछ स्पेस वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो दोनों ही सीट्स के पीछे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो पॉकेट्स हैं वो प्रोवाइड करी गई हैं और स्पेस आप यहाँ पे चेक कर तो किस तरीके का आपको वो लेग रूम वगैरह जो है ऑफर किया गया है। फ्लैट फ्लोर आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको कोई उठा हुआ जो है वो नजर नहीं आएगा। कैबिन लैंप आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट में ही दिया गया है, सेंटर में आपको नहीं मिलता है। दोनों साइडों में जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो ऑफर किए गए हैं विद कोट हुक के साथ में। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों सेकंड डोर के अंदर आपको जो है रियर एसी वेंट भी प्रोवाइड किया गया है, जिसके फ्लो को आप एडजस्ट कर सकते हैं। और 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट भी आपको मिल जाता है, यहाँ पे ये दिया गया है। फोन स्टोरेज के लिए यहाँ पे आप स्पेस मिल जाता है, फोन आप यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों ही अपने जो हेडरेस्ट रहने वाले हैं ये आपको मिल जाते हैं एडजस्टेबल टाइप के, इसको आप देख लीजिए। और सेंटर में आपको एक मिल जाता है आर्मरेस्ट जो कि विदाउट कप होल्डर है, ये प्लेन है और काफी बड़ा चौड़ा सा आर्मरेस्ट जो है वो यहाँ पे आपको ऑफर किया गया है। ये जो सीट है फुल फोल्ड फीचर के साथ आती है, इसको आप जो है इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन भी मिल जाता है। तो ये सारी बात हो चुकी है अपने सेकंड रो की। अब आपको दिखाते हैं एक बार इस कार का बूट स्पेस। बूट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया है लोगो के ठीक नीचे, इसको आप प्रेस करेंगे तो बूट जो है वो रिलीज हो जाता है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो कितना कुछ स्पेस जो है वो आपको अल्ट्रोज बूट स्पेस के अंदर
अंदर ऑफर कर देती है। तो काफी अच्छा स्पेस जो है वो आपको मिल जाएगा। पार्शल ट्रे जो है वो आपको यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो इल्यूमिनेशन है वो भी मिल जाती है। 3 किलो की कैपेसिटी के साथ आपको दोनों ही साइडों में जो हुक्स हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। और नीचे की तरफ आपको जो है इसका स्टेपनी टायर मिल जाएगा, जो कि आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आप टायर सेक्शन R14 का जो है वो चेक कर सकते हैं। स्टील लिम्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। बात करते हैं अगर इंजन की दोस्तों, तो इस कार के अंदर आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर वाला रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया है, जो कि 88 PS की पावर और 115 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। और कंपनी इस कार के साथ 19.33 KMPL की माइलेज क्लेम करती है। बात करें अगर प्राइसिंग की, तो इस कार का एक शोरूम कॉस्ट है 8,49,900 रुपीज का। इस कार की अदर डिटेल्स लाइक कलर ऑप्शंस और सेफ्टी फीचर्स को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेटिव लगा हो लाइक करें, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाहन ऑफिशियल।